नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो, जो हम लाते हैं आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, कब कैसे कहां शुरुआत करें, कैसे गोल्स को पूरा करें, सही पोर्टफोलियो बनाया है या फिर नहीं, आप अपने क्वेश्चंस इस तरीके के हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, फेसबुक ट्विटर पर जाकर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #askawazyourmoney लिखकर। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का, और आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका, और क्वेरीज लेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपसे समझना चाहते हैं आज कि आमतौर पे हम जब चर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, SIPs की, तो सुझाया जाता है सभी इन्वेस्टर्स को कि SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहता है, ताकि एवरेजिंग का बेनिफिट मिले, छोटी छोटी सेविंग से आप बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं SIPs के थ्रू, आप पता भी नहीं लगेगा, आप कॉर्पस धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं SIPs को अच्छे फंड्स में ना इन्वेस्ट करें या फिर सही तरीके से इन्वेस्ट ना करें, तो फिर ये आपके लिए नुकसान का सबब भी बन सकता है। तो ऐसे में अपनी SIPs को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बताइए। हाँ जी दीपाली, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए जब हम SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक डिसिप्लिन तरीका अडॉप्ट करते हैं, हम कमिट करते हैं कि हम हर महीने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे दो तरह का डिसिप्लिन होता है, एक हमारे बचत के प्रोसेस में हम सेव करेंगे तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, और हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में भी डिसिप्लिन आता है। तो होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनकम का कुछ हिस्सा डेफिनेटली वो है इन्वेस्ट होता है। दूसरी बात, जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो जहां पे वॉलेटिलिटी होती है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में, उसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि एक मुश्त रकम इन्वेस्ट करने की बजाय अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें तो क्या होगा, क्योंकि आप डिफरेंट डेट्स पे विद इन अ मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अलग अलग तरह के एनएवी में आपका पैसा लगता है, तो आपकी जो एवरेजिंग कॉस्ट है ओवर ए लॉन्गर पीरियड वो जो है वो कम हो जाती है। तीसरा, जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करें, छोटी सी रकम से भी शुरू करें तो भी आप एक बड़ी रकम बना सकते हैं। तो SIP के बहुत फायदे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने सही समय पर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया और आप चाहते हैं कि उसका पूरा फायदा आपको मिले, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है कि दो तीन चीजें जो है हमेशा आप ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए पर्याप्त है। कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि हम प्लान नहीं करते, हम अपने गोल्स को डिफाइन नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि हमें कितने पैसे की जरूरत है, हम उसको जो है अपनी शुरुआत कर देते हैं। तो या तो हम कम इन्वेस्ट करते हैं या ज्यादा करते हैं, जब ज्यादा करते हैं प्रेशर आता है तो SIP को रोक देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने गोल्स को आप डिफाइन करें। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, अगर मान लीजिए किसी के बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए चाहिए 15 साल के बाद, तो आप 12% का रिटर्न मान के चलेंगे, आपको मान लीजिए 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप कोई अपना रिटायरमेंट के लिए गोल बनाना है 30 साल के बाद, अगर उनको 5 करोड़ भी चाहिए तो 14,000 की SIP आपको करनी है। तो इस तरह से जब आप बनाते हैं तो आप उसका फायदा क्या है, आपको पता रहता है कितनी मेरी क्षमता है, कितना मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो आदि कहीं ना कहीं जो सफलता आपको मिलती है SIP से वो इससे मिलती है। दूसरी बात, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, गोल्स जो अपने फंड्स है वो अच्छे चुनाव करें, ऐसे फंड को चुनाव कीजिए स्पेशली अगर हम इक्विटी की बात करें लॉन्ग टर्म में, जो वेल डाइवर्सिफाइड हो। जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड से, लार्ज एंड मिड कैप फंड से, मल्टी कैप से, थोड़े समय के बाद आप चाहें तो मिड और स्मॉल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जॉटिक फंड, बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको उसकी मॉनिटरिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो है आपको देखना है कि बहुत ज्यादा फंड आपके पोर्टफोलियो में ना हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, 10,000 के SIP करने 10 फंड ले लिए, ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको नुकसान ही करेगा, आपको फायदा नहीं करेगा, मॉनिटरिंग करना मुश्किल है, साथ ही जो फंड अच्छा नहीं कर रहे वो भी आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, आपकी ओवरऑल रिटर्न को वो नीचे लेके आते हैं। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड वर्कल है, वहां पे बहुत ज्यादा ओवरलैप करके मत रखिए क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप स्टेप अप SIP कीजिए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस दोनों में डिसिप्लिन लाता है, वैसे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए
आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है 12% के हिसाब से। लेकिन यही पैसा अगर आप हर साल 10% से बढ़ा दें तो आपका कॉर्पस डबल होगा, यानी 2 करोड़ मिलेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ साथ एक बड़ी रकम आप अपने पोर्टफोलियो से बना पाएंगे। तो ये दो तीन चीजें हैं, आसान है, थोड़ा डिसिप्लिन की जरूरत है, इनको आप फॉलो कीजिए। सही मायने में SIP और सही मायने में जिस एसेट क्लास में आप निवेश कर रहे हो उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा अगर आप ये कुछ बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर अपना ध्यान रखें। ओके चलिए, तो आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं हेमंत जी ने, उनको लागू कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में। डाइवर्सिफिकेशन हो, नियमित तौर पर निवेश करना हो, बहुत ज़्यादा फंड्स ना रखना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ दीपक मित्तल नोएडा से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास लगभग 20 से 25 लाख का एक कॉर्पस है, तो मैं धीरे धीरे उसको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। धीरे धीरे इन द सेंस कि मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में उनको इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊँ और इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग किस तरह से रखूँ। मेरा जो होरिजोन है लगभग 7 से 8 साल या 10 साल भी है, मेरी उम्र अभी 38 साल है, तो मतलब मुझे ये जानना है कि वो जो अभी मेरे पास कॉर्पस है उसको किस तरह से मैं मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करूं, और जो रिस्क एपिटाइट है इट्स काइंड ऑफ मीडियम, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना चाहता और बहुत मतलब नॉर्मल फंड्स में भी नहीं, थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट मीडियम रखना चाहता हूँ। ओके पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 20 लाख्स का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 7 इयर्स के लिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते ना पूरा सेफ खेलना चाहते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन चाहिए जहाँ पे रिस्क प्लस सेफ्टी दोनों हो। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। जी दीपाली, आई थिंक दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसा उन्होंने कहा कि इनके पास एक लमसम पैसा है 20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए, समय इनके पास 7 साल का है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ऑफ कोर्स जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो क्योंकि वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली कुछ अटेंडेंट रिस्क होते हैं उनके इन्वेस्ट करने के लिए, जो आपको ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर बहुत जरूरी है कि आप उन रिस्क को समझें। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का ध्यान रखना है, और जहां तक मुझे लग रहा है, जो मेरी समझ है मुझे इनकी बातों से लगा, मुझे लग रहा है कि शायद ये इनकी शायद फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है या वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों इन तीन चार चीजों का ध्यान में रखे अगर हम देखें तो मुझे लगता है एक ऐसा पोर्टफोलियो बनना चाहिए जिसमें एक मिक्स हो, उसमें हाइब्रिड फंड भी हो और उसमें इक्विटी फंड भी हो, और इक्विटी में भी वो फंड हो जहाँ पे ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप में हो और अब कुछ हिस्सा जो है ऑब्वियसली मिड कैप में हो। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं जिसमें इक्विटी में रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर रहता है और मार्केट लेवल के हिसाब से वो ऊपर या नीचे जाता है। दूसरा होता है एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जहाँ पे 65% पैसा इक्विटी में और बाकी जो पैसा डेट में आता है, और तीसरा कैटेगरी होगी लार्ज एंड मिड जहाँ पे मिनिमम 35% दोनों सेगमेंट में होगा और बाकी जो पैसा है 30% वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे लगाएंगे। तो इन तीन कैटेगरी के मैं तीन फंड आपको बताता हूँ, जैसे ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, वो एग्रेसिव हाइब्रिड में, कोटक बैलेंस एडवांटेज जो जैसा कि नाम से पता चलता है एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, और तीसरा HDFC लार्ज एंड मिड कैप। ये आप तीन फंड देखें, जो हाइब्रिड फंड है दोनों उनमें 7-7 लाख रुपए लगाइए अगर आपके पास 20 लाख रुपए है तो, और जो इक्विटी फंड है उसमें 6 लाख लगाइए। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसको निवेश कैसा किया जाए, क्योंकि ये बड़ा रकम है और एक ही वन ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए, इसको मिक्स कीजिए। आप कुछ पैसा आप लगाइए लमसम और बाकी जो पैसा है वो सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू नेक्स्ट 6 महीने में इन्वेस्ट कीजिए। उसका फायदा ये होगा कि अगर बीच में मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो आपके पास मौका होगा कि आप उस लेवल का फायदा उठा के उस पैसे को आप लिक्विड फंड से इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड में स्विच कर सकते हो। तो एज ए कॉम्बिनेशन बनाइए लमसम और STP के द्वारा, और ये तीन फंड है, मुझे लगता है आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके टाइम होराइजन के हिसाब से वो सही रहेंगे, आपके आई थिंक सूटेबल है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए, तो सलाह आपको दी गई है, फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं जैसे आपको इन्वेस्ट करना है। बात करते हैं अगले कॉलर से, और सवाल पूछने के लिए दिनेश हमारे साथ हैं, दिनेश वर्मा मुंबई से। दिनेश जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका।
दिनेश जी आवाज मिल रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, मैंने मेरी एज अब 44 है एंड एंड अभी मेरे पास म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो है वो 25 लाख का है एंड 8 लाख करीब में मेरे शेयर्स है कंपनीज के हैं एंड मेरा पीएफ में मंथली 27,000 रुपीज का मंथली कंट्रीब्यूशन जाता है मेरे तरफ से एंड आई एम लुकिंग फॉर एन एनपीएस में भी अप्रोक्सीमेटली 20,000 का मंथली कंट्रीब्यूशन जाता है। तो ये सब पकड़ के अप्रोक्सीमेटली जो करंट वैल्यू है टोटल पोर्टफोलियो इज अराउंड 70 to 75 lakhs एंड आई एम लुकिंग इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म 10 to 12 years एंड लुकिंग एट अराउंड 2 to 2.5 crores lump sum or maybe you know 1.5 lakhs to 2 lakhs a monthly pension. So how to you know increase my SIP in the mutual fund, more to concentrate or on mutual fund or to the shares? Medium risk taker is there, or maybe a 30% in the high risk category I can invest? ओके तो हेमंत जी आपने इनका पूरा क्वेश्चन सुना। 30,000 की एसआईपी है, 75 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 to 2 years का होराइजन है, फंड्स के नेम भी इन्होंने बताए, इसके अलावा एनपीएस पीएफ दोनों में इनका इन्वेस्टमेंट है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, ये अपना पूरा इन्वेस्टमेंट 70% सेफर एसेट्स में और 30% रिस्कियर फंड्स में डिप्लॉय कर सकते हैं? इन्होंने कहा कि 35,000 की इनकी SIP है जो मेनली जो आई थिंक इक्विटी फंड में है और उसके अलावा NPS में 16,000 वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो PF में जो पैसा जा रहा है उनका 25,000 जा रहा है। तो आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन NPS इक्विटी फंड्स और PF का है। इनका जो टारगेट है उन्होंने कहा 2 to 2.5 crore का टारगेट है और 12 साल का इनके पास समय है। तो देखिये दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने कहा कि ओवरऑल इनका जो पोर्टफोलियो वो 75 lakhs का है अभी जो करंट वैल्यू है, एक वो एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये कि जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं खाली उसको भी देखूं और ये 12 साल तक अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे तो उसी में इनको करीब 2 crore 10 lakh का कॉर्पस बन पाएगा। इसके अलावा जो 75 lakh है ऑब्वियसली वो भी ग्रो करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि इनको अपने टारगेट को पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट इनका जो कॉर्पस बनेगा वो 3 crore के ऊपर जाके बनेगा। तो डेफिनेटली उनके पास ये लीवे है, उनके पास ये कि वो ज्यादा अपना कॉर्पस जो है वो बना पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनको जो इनकम की जरूरत है, एक लाख की अगर हम बात करें तो 12 lakh इनको चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर 2.5 या 3 crore का अगर कॉर्पस इनके पास है तो आराम से 5% के हिसाब से वो पैसा निकाल सकते हैं। तो आई थिंक उनकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सही है, इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बिल्कुल सही है, इसी को आप कंटिन्यू कीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 12 साल तक आप अनइंटरप्टेडली अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे। तो आई थिंक वो एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है आपकी अचीव करने के लिए अपने गोल्स को। फंड्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मुझे लगता है एलोकेशन थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। जैसे इनके पास जो ELSS फंड है ABSL का, उससे बेटर फंड्स है। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं तो मोतीलाल ओसवाल ELSS आई थिंक एक बेटर ऑप्शन रहेगी। एक तो आप वो बदलाव कीजिए, दूसरी बात 3 flexi cap fund है आपके पास, 1 large cap fund है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है मुझे लगता है लार्ज कैप में, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। तो आप एक HDFC का जो फ्लेक्सी कैप है वो रखिए, उसमें अमाउंट आप बढ़ा दीजिए, उसको आप 10,000 कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वहां पे मुझे लगता है बंधन कोर एक बेटर ऑप्शन रहेगी आपके लिए, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 कर दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करें, अच्छे फंड्स हों ताकि आपको जो रिटर्न जो है वो बेहतर मिल सके। मल्टी एसेट फंड जो है आपके पास 5,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप करते रहिए और जो बाकी 3,000 बचेगा उसको एक स्मॉल कैप फंड लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, वहां पे SIP से इन्वेस्ट कीजिए। तो हमने कोशिश की है पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें, आपकी जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो रहे, तो वैसे ही आप अपना टारगेट पूरा करेंगे। बट आई थिंक कुछ बदलाव करेंगे तो आपको रिटर्न जो है यहाँ से बेहतर मिल सकता है। ओके चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए, आपको जिन फंड से निकलना है वो नोट कर लीजिए। कैनरा बैंक को फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला ELSS टैक्स सेवर, SBI लार्ज मिड कैप से एग्जिट करने की सलाह है। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप, बंधन कोर इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल ELSS, ICICI प्रू मल्टी कैप,
निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन फंड्स में आप पैसे डालिए, कितना किस फंड में डालना है वो डिटेल्स भी आपके सामने है, 10,000 ईच, फ्लेक्सी कैप HDFC और बंधन कोर इक्विटी में, बाकी में आप 7,000 ईच डालिए मोतीलाल ओसवाल ELSS में, ICICI प्रू मल्टी कैप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 और 3,000 ईच डाल सकते हैं। बात करते हैं अब अगले कॉलर से, अमित कुमार उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम नमस्कार, मैम जी मैं कुछ आडियो से बात किया था, कुछ फंड में चेंजिंग किया हूँ तो क्या मैम कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं। SBI कॉन्ट्रा फंड 3,000 है, SBI स्मॉल कैप 4,000, SBI इंडेक्स 150-2,500 और कंजप्शन में 40,000 लमसम किया हूँ, क्वांट मिड कैप में 2,000, ICICI प्रोडेंशियल 1,000, कोटक इक्विटी 1,000 और कौन सा कंपनी, एक मिनट में एक निपॉन इंडिया इस्तेमाल कर रहे 1,000 और आप पारी फ्लेक्सी कर में 1,000, इसी के बारे में जानकारी लेना है, चेंजिंग और करना है तो फिर गड़बड़ पड़ेगी। ठीक है ठीक है, पूछ लेते हैं फंड्स इन्होंने बताए हेमंत जी, काफी सारे फंड्स हैं इनके पास, 7 म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर SIP चल रही है और इसके अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट भी की हुई है इन्होंने 2 फंड्स में, 2 करोड़ का टारगेट 20 इयर्स में, फिलहाल 14,500 की SIP और 4,500,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू, बताइए इनके लिए सजेशंस। जहां तक अमित का जो पोर्टफोलियो में 14,500 की SIP कर रहे हैं, 9 फंड्स हैं इनके पास, ऑब्वियसली फंड जरूरत से ज्यादा है, हमने शुरुआत में भी बात की थी कि अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड मत रखिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपको नुकसान होता है, तो एक तो ये एस्पेक्ट उनको देखने की जरूरत है, बट उससे पहले देखते हैं इनका टारगेट पूरा होगा कि नहीं। 20 साल का समय इनके पास, 2 करोड़ का टारगेट है, अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता है तो करीब करीब 1,80,00,000 का कॉर्पस बना पाएंगे, बट यहाँ पे मैंने जो अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न वो 12% लिया है, ये पॉसिबिलिटी है कि जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो इससे बेटर आपको रिटर्न मिले, तो मुझे लगता है कि शायद ये अपना गोल जो है वो पूरा कर पाएंगे। शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि 9 फंड्स हैं इनके पास, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन की जरूरत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके पास अच्छे फंड्स हैं, आई थिंक जब आपके पास अच्छे फंड्स हो तो पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो उसमें से मैं कहूँ चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा SBI कॉन्ट्रा फंड है उसमें 3,000 इन्वेस्ट करें, उसमें आप कंटिन्यू करते रहिए, उसके अलावा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी रखिए आप, या आपके एग्जिस्टिंग फंड्स ही हैं इसमें आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा के 3,000 कर दीजिए, उसके अलावा फिर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप वहां पे अमाउंट 1,000 है आपका 2,000 कर दीजिए, और 2 फंड मैं चाहूंगा कि आप उसमें ऐड करें ताकि जो आपका जो एलोकेशन है उसमें सारे सेगमेंट में सही तरीके का एक्सपोजर मिले, तो एक मल्टी कैप फंड रखेंगे हम पोर्टफोलियो में कोटक मल्टी कैप जहां पे आप 4,000 इन्वेस्ट करेंगे, और एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जिसमें 2,500 इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से आपका 14,500 का पोर्टफोलियो बनेगा। तो हमने कोशिश ये की है कि आपके फंड्स थोड़े कम हो, डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको एक्सपोजर मिले, थोड़े बेहतर फंड मिले ताकि आपको रिटर्न जो है वो अच्छा मिल सके और आपका जो लक्ष्य है 2 करोड़ का वहां तक आप पहुंच पाए। ओके चलिए, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए, कुछ फंड्स हैं जिनसे निकलने की सलाह है, कुछ फंड्स हैं जिन पर आप निवेश कर सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, हमें दोस्तों के हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे शो में, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम रुस्तगी हमारे साथ बने हुए, लेते हैं कुछ और सवालों को। अमृतलाल यादव बरेली से हमारे साथ हैं। अमृत जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अभी 8,000 की SIP है, तो अभी एक्चुअली मैं अगले 20 साल में 5 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कुछ फंड्स और कितनी SIP मुझे और करनी चाहिए, मतलब कितने अमाउंट की SIP मुझे और करनी चाहिए जो मैं अपना टारगेट के लिए नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए। 5 करोड़ का टारगेट है 20 इयर्स में, 8,000 की SIP है, 5,500,000 इकट्ठा हो चुके हैं। फंड्स में बता दूं क्विकली इनके, SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, दोनों में 2,000-2,500 डाल रहे हैं, SBI ब्लू चिप में 1,500 पर मंथ, कैनरा बुक स्मॉल कैप और एक्सेस अग्रेसिव हाइब्रिड में 1,000-1,000 ईच, क्या सजेशन इनके लिए। देखिए यहाँ पे अमृत जी ने जैसा कहा कि इनकी SIP जो वो 8,000 है, समय इनके पास है करीब 20 साल और इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है, अगर जो इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है 8,000 अगर उसको कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक तो करीब करीब
1,30,00,000 का कॉर्पस बनेगा इनका, तो इनको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए एडिशनल 40,000 रुपए की एसआईपी और करनी होगी, यानी कुल मिला के इनका जो एसआईपी अमाउंट है वो 48,000 होना चाहिए, जो ऑब्वियसली जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अमाउंट है। तो दो चीजें करनी होंगी इनको, देखता होगा कि वाकई में इतना पैसा वो इन्वेस्ट कर पाएंगे कि नहीं, नहीं तो फिर ऑब्वियसली उसका दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप अपना जो टारगेट है उसको थोड़ा रिविजिट कीजिए और उसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाइए। तो एक तो पहली बात ये करना है। फंड जो है मुझे लगता है उसमें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपके पास ऐसे फंड हो जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और जैसे मैंने पहले भी कहा शो में कि आपको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में अच्छा सा एक्सपोजर मिले, वेल बैलेंस एक्सपोजर मिले, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप कंसिडर कर सकते हैं। जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो में उसको आप रखिए, वहां पे 2,500 रुपए है, वो आप कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा दो फंड और चाहिए आपको, आपको 5 फंड की जरूरत नहीं है 8,000 के लिए। दो फंड जो आप रखेंगे उसमें से एक है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, जिसमें 3,000 इन्वेस्ट करेंगे आप, और HDFC का मल्टी कैप फंड जिसमें आप 2,500 इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इसमें फायदा ये होगा कि मल्टी कैप में तीनों सेगमेंट मिलेंगे आपको, लार्ज एंड मिड में दो सेगमेंट मिलेंगे, फ्लेक्सी कैप में आपको जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है उसमें एसेंशियली लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही यूएस मार्केट का भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो इस तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। जैसा मैंने कहा आपको 40,000 से अपनी एसआईपी बढ़ानी है, ऑफ कोर्स अगर एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो धीरे धीरे करके बढ़ाइए, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना ही समय आपको मिलेगा अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। गौतम है अगले कॉलर श्रीनगर से। गौतम नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते, पूछे सवाल। हेलो मैम, मैं अभी 150 लगे मेरे एसआईपी चल रहे हैं मैम। हेलो, बताइए। मेरा अभी तो 35 का एसआईपी चल रहा है, उसमें है मोतीलाल ओसवाल है मिड कैप है उसमें 5,000 रुपया, फिर क्वान मिड कैप है उसमें भी 8,000 रुपया, और जेएम फ्लेक्सी कैप है उसमें 5,000 रुपया, फिर यूटीआई निफ्टी 2,200 मोमेंटम एक है ना 30 उसमें 5,000 रुपया, उसके बाद एक आईसीआईसी पोटेंशियल पोटेंशियल निफ्टी इंडेक्स 50 उसमें भी 5,000 रुपया, और दो स्मॉल कैप है, एक निपोन इंडिया है स्मॉल कैप और एक क्वांट स्मॉल कैप है उसमें भी, एक क्वांट स्मॉल कैप में है 60,000 रुपया और निपोन में भी 60,000 रुपया करके रखा हूँ मैडम। मेरा अभी 10 साल का टारगेट है, 10 साल के बाद पेंशन लेना है, पेंशन जाना है, तो उसमें कितना पर्पज बन सकते हैं मैम थोड़ा सा बताइए ना। ओके, 35,000 के SIP है, फंड्स के नेम इन्होंने भी मेंशन किए, टोटल इनके पास 7 म्यूचुअल फंड हैं और 3,50,000 के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, जानना चाहते हैं 10 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे, प्लस इनके चॉइस ऑफ फंड कैसे हैं। जी दीपाली, आई थिंक इनकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यूएशन देखूं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है और इनके टाइम होराइजन के कंप्लीट होते होते मुझे लगता है अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब 1.25 करोड़ का कॉर्पस बन पाएगा। अगर इनको 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ी सी एसआईपी बढ़ानी होगी, जो करीब 10,000 के अमाउंट है। अगर ये 10,000 की एडिशनल एसआईपी कर सके तो ये अपने लक्ष्य जो इनका 1.5 करोड़ का लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाएंगे। इनके पास 7 फंड्स हैं तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा ओवरलैप है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें 2 मिड कैप है उसमें 2 स्मॉल कैप है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो बिल्कुल सही है, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि वो फंड रखना है कि दूसरा फंड रखना है। तो मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है दोनों में से एक ही मिड कैप को रखिए, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, अमाउंट को थोड़ा सा रीअलोकेट कर सकते हैं, वहां पे आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जो स्मॉल कैप की जो बात कर रहे हैं वहां पे 2 फंड है आपके पास, फिर से जो क्वांट स्मॉल कैप है उसको रखिए, उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है जिसमें 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप कंटिन्यू करते रहिए। इनके पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जेएम फ्लेक्सी कैप है, उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तो चाहे तो उसी फंड में करके 10,000 रुपए कर सकते हैं, या अगर हमको एक ऐसा फंड चाहिए जो जिसका काफी कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो तो चाहे तो वो HSBC का फ्लेक्सी कैप भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी फंड रखिए आप, लेकिन वहां पे जो आपकी एलोकेशन है वो 10,000 की होनी चाहिए। तो क्या होगा इसमें,
कुल मिला के आपके पास चार फंड होंगे, फंड आपके साथ से घट के चार आ जाएंगे, लेकिन हमने किसी भी सेगमेंट में एक्सपोजर में कंप्रोमाइज नहीं किया। अच्छे क्वालिटी फंड लिए, कोशिश वही कर रहे हैं कि जो रिटर्न हमने अज्यूम किया उससे बेटर आपको रिटर्न मिल सके। तो जैसा मैंने कहा, SIP 10,000 से बढ़ानी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और ये कुछ सजेशन है इनके लिए, अगर वो चाहें तो इनको इम्प्लीमेंट करके अपना पोर्टफोलियो को और अच्छा बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए, सवाल इतने ही शामिल करेंगे। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। समय की कमी है इसलिए हेमंत जी के टॉफो फंड्स नहीं पूछ पाए, लेकिन डिटेल्स उन्होंने शेयर की उसके मुताबिक आपके स्क्रीन पर वो टॉफो फंड्स दिखाई देंगे जो हेमंत जी ने पिक किए हैं आपके लिए। उनको नोट कर लीजिए, नए पोर्टफोलियो के हिसाब से उन चॉइसिस के साथ आप जा सकते हैं। कोटक मल्टी कैप, मोतियाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी और HSBC फ्लेक्सी कैप। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।